हमारे इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने इनके ट्यूब में डाल दी, क्लेम कर रही है कि टॉप रेटेड है काफी जी, स्पेशली डेवलप की है इन्होंने नाम। चीजें जो है मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि पहली बात तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का चैनल पे स्वागत है और थोड़ा सा जंगल में आके वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट मंथ मेरा बात हुआ था, जो एक मीटिंग हुआ था सेलेस्टॉन के जो सेल्स डायरेक्टर है जॉन क्रॉस उनके साथ, तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि 2024 में जैन में एक प्रोडक्ट आ रहा है जो मार्केट में स्मार्ट टेलीस्कोप है उनको कम्पीट करने वाला है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है उनका, और उसका मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम रखा है इन्होंने, सेलेस्टॉन ओरिजिन इंटेलिजेंट होम ऑब्जर्वेटरी। यार बहुत डिफिकल्ट, इतना लंबा चौड़ा नाम कौन देता है, ठीक है दे दिया वॉट एवर, हम लोग इसको सेलेस्टॉन ओरिजिन या ओरिजिन टेलीस्कोप बोलेंगे, जो स्मार्ट टेलीस्कोप है सेलेस्टॉन की तरफ से पहला वाला टेलीस्कोप, स्मार्ट टेलीस्कोप जो इमेजिंग करने वाला है। जो इसका जो ऑप्टिकल ट्यूब है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी स्पेशली डेवलप की है, इन्होंने नाम रखा है रासा, जो इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, रो एकरमन स्मिथ एस्टोग्राफ करके है। तो ये जो ऑप्टिकल ट्यूब है इन्होंने स्पेसिफिकली इनके जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी उसके बेसिस पे ही इन्होंने ये टेलीस्कोप लॉन्च किया है। तो इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज 335 mm, और इसका अपर्चर साइज है जो 152 mm है। तो 6 inches में इन्होंने जो टेलीस्कोप लॉन्च किया है, इसका जो फोकल रेशियो है 2.2। आगे पीछे देख रहा हूँ, जंगल में कोई जंगली जानवर है क्या इसके लिए। ट्यूब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे क्योंकि 2.2 फोकल लेंथ है तो डीप स्काई के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा अगर ट्यूब की बात करूँ तो ये स्मिथ कैसिग्रेन है, तो स्मिथ कैसिग्रेन का जो इन्होंने करेक्टिंग प्लेट होता है इसमें ही इन्होंने इंटीग्रेटेड कैमरा लगा दिया है, जो है सोनी का IMX जो है 178LQJ जो सीमोस सेंसर है वो इन्होंने डाल दिया है, इसमें इंटीग्रेटेड कर दिया है करेक्टिंग प्लेट में। और करेक्टिंग प्लेट भी इन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया क्योंकि हमको पता है कि जब लोग हम लोग एस्ट्रोफोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, टेलीस्कोप से व्यूविंग करते हैं, तब ड्यू फैक्टर बहुत डिफिकल्ट कर देता है व्यूविंग ऑब्जर्वेशन या हम लोग जो कैप्चरिंग करते हैं, फोटोग्राफ करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इनका जो करेक्टिंग प्लेट है उसके साइड में जो है इन्होंने एक स्ट्रिप डाल दीजिए है, हीटर जो डाल दिया है इंटीग्रेटेड हीटर, और वो इनका जो इंटीग्रेटेड सिस्टम जो ट्यूब में ही इन्होंने ऑनबोर्ड कंप्यूटर डाल दिया है, तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर ड्यू को डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली हीटिंग स्टार्ट कर देगा। अगर ड्यू आता है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्टिंग प्लेट को गर्म कर देगा और वो ड्यू हट जाएगा और आपका फोटोग्राफी वाला एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इन्होंने इनके ट्यूब में डाल दिया है, जो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इन्होंने जो ट्यूब बनाया उसके अंदर ही इन्होंने पीछे जो है ऑनबोर्ड कंप्यूटर दे दिया है, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग वाला जो वाईफाई सिस्टम वगैरह है इन्होंने उसमें ही डाल दिया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने उनके ट्यूब में डाली है, वो क्या डाली है, क्योंकि आपको पता है कि कैसिग्रेन टेलीस्कोप जो होता है इनके इनबिल्ड ही जो यहाँ पे हमारा प्राइमरी मिरर होता है वहाँ पे हमारा फोकसिंग नॉब होता है, तो इन्होंने फोकसिंग नॉब नहीं दिया है, इन्होंने सीधा ऑटो फोकसर सिस्टम जो है इन्होंने जो पीछे बैक साइड में इन्होंने दे दिया है, जहाँ पे हमारा जो प्राइमरी मिरर होने वाला है वहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग रख के वहाँ पे पीछे इन्होंने ऑटो फोकसर दे दिया है। और वहाँ पे फैन भी है तो कूलिंग वाला सिस्टम वहाँ पे होते रहेगा, तो हीटिंग का इशू नहीं आने वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यूब इन्होंने डेवलप किया है, रासा वाला जो इन्होंने मेंशन किया स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी। इन्होंने ऑनबोर्ड कंप्यूटर का जो जो डिटेल डाला है रास्पबेरी पाई 4 model B डाला है, और माउंट जो है कंप्यूटराइज गो टू अल्तजुमत माउंट इन्होंने मेंशन किया है, जो इनका पहले से ही माउंट चलता आ रहा है। तो माउंट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आगे, लेकिन अगर ट्यूब की बात करूँ तो ट्यूब में मैं सोच रहा था कोई व्यूविंग वाला ऑप्शन आ सकता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट व्यूविंग वाला ऑप्शन नहीं है, आपको इधर आपके मोबाइल पे वाईफाई से कनेक्ट करके देखना पड़ेगा, या तो आपको यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन इन्होंने दिया है कि वो मोबाइल वाला व्यू आपके टीवी में आप शेयर करके देख सकते हो। प्रोसेसिंग आपको वैसे ही आपके पीसी में तो बात की बात है, आप डेटा चाहिए तो कॉपी करके ले सकते हैं, लेकिन सिस्टम बाकी का जो प्रोसेसिंग होता है, अदर जो मैंने GW का मॉडल देखा है या फिर Dwarf 2 देखा है, तो वो क्या करते हैं आपको सिस्टम में ही वो प्रोसेसिंग करते हैं स्टैकिंग वगैरह, तो सेम प्रोसेसिंग इसमें भी होने वाला है कि आपके जो ट्यूब में जो सिस्टम लगा है जो रास्पबेरी पाई वाला सिस्टम है, तो
जो स्टैकिंग वाला पार्ट जो है आपको आपके मोबाइल पे ही दिखते जाएगा, जैसे इमेज कैप्चर करते जाएगा। सेकंड जो बात करता हूँ, जो कैमरा इन्होंने दिया है सोनी का IMX वाला जो सीमोस सेंसर है, थोड़ा सा पुराना ही है, एक आध साल हो गया लॉन्च होके, तो वो थोड़ा सा मैं लास्ट ईयर लॉन्च हुआ तो मैं सोच रहा था लेटेस्ट वाला कैमरा ये कुछ डाल देंगे और सेंसर साइज थोड़ा बड़ा हो सकता था। बट उन्होंने जो कैमरा मॉड्यूल बनाया है जो अनस्क्रू करके हम लोग वहाँ पे अगर फ्यूचर में कंपनी नया कैमरा मॉड्यूल लॉन्च करके वहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अपग्रेड वाला पार्ट है। बट मैं मेरे हिसाब से तो ये देना चाहिए था थोड़ा सा बड़ा वाला सेंसर, तो और अच्छा होता। और सेकेंडरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वही जो मॉड्यूल है कैमरा मॉड्यूल, उसमें आप अलग से फिल्टर्स जो है, अलग अलग फिल्टर जो आते हैं 1.25 इंच के फिल्टर साइज जो होता है, तो आप वो अलग अलग फिल्टर्स इसमें आप लगा के कैप्चर कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा इन्होंने एक एडिशनल ऑप्शन ओपन रखा है। तो इनका नेक्स्ट आर का जो इवोल्यूशन माउंट है वो कंपनी इस टेलीस्कोप के साथ आपको प्रोवाइड करेगी, कोई स्पेशल माउंट इन्होंने डेवलप नहीं किया है, तो वही पुराना वाला माउंट कंपनी इसके साथ प्रोवाइड करिए, जो क्लेम कर रही है कि टॉप रेटेड है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। तो मैंने यूज़ नहीं किया, अगर आपने ये माउंट यूज़ किया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये कैसे काम करता है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की कुछ चीज़ें जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि पहली बात तो है ये टेलीस्कोप आ रहा है $4,000 के प्राइस पॉइंट में, तो 4,000 मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग बोलूँ तो 3.5 लाख के आसपास जाता है। तो मैंने देखे है PC पे जो कंपनी ने प्रोवाइड की है, तो जो शार्पनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 3.5 लाख में, वो मुझे नहीं देखने के लिए मिला। मैं थोड़ा सा निराश हूँ कि 3.5 लाख में अगर मैं ZW और DWARF 2 जैसे ही रिज़ल्ट मुझे देखने हैं तो मैं DWARF 2 या ZW का जो C-Star है S50 उसकी तरफ चला जाऊँ। $500 में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेकेंड चीज़ वो इजी टू कैरी हो जाते हैं। इसका जो वेट है, टोटल वेट माउंट पकड़ लो या फिर ट्राईपॉड और पूरा जो 6 इंच का ट्यूब, तो इनका टोटल वेट 20 kg के आसपास जाता है, तो कैरी करने के लिए भी थोड़ा सा हेवी पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा निराश हूँ प्राइस पॉइंटिंग के अकॉर्डिंग और इसका साइज़ वगैरह वो उसके अकॉर्डिंग। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में $500 में आने वाली है, 50,000 की कॉस्टिंग में आने वाले ZW या DWARF 2 की तरफ अगर आपको जाना है तो आप, मैं वो प्रेफरेंस दे दूंगा के ऊपर। समझो आपके पास पैसा है, आपको ZW और DWARF 2 ये प्रोडक्ट अगर आपको चीप लगते हैं और आपको 3.5 या सेलेस्ट्रॉन जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो एक प्रोडक्ट है यूनिस्टार की तरफ से आने वाला EV Scope 2, उसका कॉस्टिंग 4 लाख के आसपास जाता है। बट वो वर्थ इट है, वो इजी टू कैरी है, कार्बन फाइबर का ट्राईपॉड है, उसमें जो ट्यूब है उसमें इंटीग्रेटेड सभी सिस्टम है, रिचार्जेबल बैटरी सेम इसकी तरफ से ही ट्यूब जैसे ही है, और माउंट भी जो है वो एकदम छोटा माउंट है, इसके जैसा हेवी वाला माउंट नहीं है, और इसके ऊपर जो प्रोसेसिंग इसमें होता है सेम प्रोसेसिंग उसमें भी आपको करने मिलेगा। लेकिन उसमें एक एडवांटेज है कि उसमें निकॉन का उन्होंने एक आईपीस प्रोवाइड किया है ट्यूब के ऊपर ही, जहाँ पे आप लाइव व्यू जो स्टैक हो रहा है वो भी देख सकते हो। तो सेलेस्ट्रॉन का प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, प्राइजिंग मुझे पसंद नहीं आया उसके कंपैरिजन में, चीपर ऑप्शन जो अपने पास ZW का C-Star मैं टॉप रेट बोलूँगा आज के डेट पे, उसके नीचे DWARF 2 देन एक दो ऑप्शन है लेकिन वो मैं स्किप कर दूँगा। उसके बाद आप सीधा चाहिए तो 3.5 लाख के हिसाब से आप कस्टमाइज आपका एस्ट्रोफोटोग्राफी वाला सेटअप बिल्ड कर लो, जो डेडिकेटेडली वही कैप्चर करेगा, क्योंकि इसमें आप प्लैनेट कैप्चर नहीं कर सकते। क्या करता हूँ, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं ट्राई करता हूँ, ये प्रोडक्ट अपने पास आता है तो मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दे दूँगा। उसके अलावा कोई भी टेलीस्कोप एसेसरीज बायनोकुलर चाहिए डिस्काउंट रेट पे चाहिए तो मुझे इंस्टा पे DM कर दो, मॉडर्न टेलीस्कोप का डिस्काउंट कूपन मेरे पास पड़ा है, तो आपका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और मेरा चैनल आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करके मेरा भी फायदा कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। शाम हो रही है, थोड़ा सा पंछी देख लेता हूँ, जंगल घूम लेता हूँ।